हरे कृष्णा मित्रों, आज हम सुनेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 16वां, 17वां और 18वां श्लोक। आइए सुनते हैं इस श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र से क्या कह रहे हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव पुष्पको काश्यस्य परमेश्वरता शिखंडे च महारथ दुष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो हे पृथ्वीपति राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। यहाँ उन्हें राजा कहकर संबोधित किया गया है। उन्होंने राजा कहलाने की उपाधि राजसी यज्ञ का अनुष्ठान कर अन्य राजाओं से उपहार एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात पाई थी। उनके आचरण में राजसी गरिमा और उदारता सदैव टपकती रहती थी। फिर चाहे जब वह महलों में रहते थे या अपने निर्वासन काल के दौरान वनों में रहे। धृतराष्ट्र को संजय द्वारा पृथ्वी का राजा कहा गया है। देश की रक्षा करना या उसे विनाशकारी युद्धों में उलझाए रखना, यह सब राजा के हाथों में होता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से संजय के इस संबोधन का तात्पर्य यह है, सेनाएं युद्ध की ओर आगे बढ़ रही हैं। हे राजा धृतराष्ट्र, केवल आप ही उन्हें वापस बुला सकते हैं। आप क्या निर्णय करना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा।